नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ यमलेश वंजारी और आप इस समय मेरे साथ मौजूद है लांजी जनपद पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत चिखली में। और चिखली ग्राम पंचायत से हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो हाउस स्कीम चलाई जा रही है, उस हाउस स्कीम के तहत में जिन पात्र हितग्राहियों को इसका एक्चुअल में लाभ मिलना चाहिए था, उन हितग्राहियों को इसका लाभ नहीं मिला है और अपात्र लोगों को इसमें बड़े पैमाने पर लाभ दिया गया है, जिससे कई ऐसे हितग्राही है जो इस योजना को लेकर सवाल उठा रहे हैं और वे लगातार परेशानी से भी घिरे हुए हैं। यही जानने के लिए हम इस समय ग्राम पंचायत चिखली में रामेश्वर दसरिया जी के यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ उनकी जो स्थिति है उसका अवलोकन करेंगे। इसके साथ साथ ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इनके साथ हाउसिंग योजना में किस तरह का छलावा हुआ है, किस तरह का घपला हुआ है, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। समय जो तस्वीरें देख रहे हैं ये ग्राम पंचायत चिखली के अंतर्गत रामेश्वर दसरिया जी की है, जो कि एक कृषक परिवार से है और इनका मकान 2018 में एक बाढ़ प्रभावित आपदा के चलते गिर चुका था और पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था, जिसकी तस्वीरें हम आपको अपनी स्क्रीन पर इस समय दिखा रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें जो है मकान की है और ये मकान 2018 में बाढ़ की वजह से प्रभावित हुआ था, जिसके बाद में मकान धराशायी हो गया था। आप इसकी तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ की वजह से इस मकान को नुकसान पहुँचा था और इस नुकसान की वजह से इस परिवार को क्या क्या यातनाएं सहनी पड़ी, किस तरह की परेशानी हो गई, ये तो हम बात करेंगे हितग्राही से। लेकिन उसके पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये जो मकान है, इनके पीछे से जो एक नाला खेत का जो रास्ता है, यहाँ से होकर बड़े पैमाने पर बारिश का पानी वो एक नाले में प्रवाहित होता है, तो यहीं से होकर गुजरता है, जिसकी वजह से इनका मकान 2018 में अत्यधिक पानी आने से, अधिक वर्षा होने की वजह से पूरी तरह से तबाह हो चुका था। पीछे का भाग केवल सामने का हिस्सा जो था वो सुरक्षित रह गया था, जिसमें यह परिवार वर्तमान में यहाँ पे अपना जीवन यापन कर रहा है। हमें जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार ये बताया गया है कि रामेश्वर दसरिया जी की माता जी के नाम से कुछ साल पहले जो प्रधानमंत्री आवास स्कीम है उसके तहत में इनकी माताश्री के नाम से आवास पात्र हितग्राही के तौर पर इन्हें लाभ मिलने वाला था, चूंकि लेकिन इनकी माताश्री का देहांत हो चुका था, जिसके चलते यह लाभ उन्हें नहीं मिल पाया था। लेकिन इनके परिवार के जो पुत्र है, बड़े पुत्र है रामेश्वर दसरिया जी, उसके बाद में इस योजना के तहत में इनको इसका लाभ मिलना चाहिए था एक्चुअल में, लेकिन ग्राम पंचायत की ओर से, या हम ये कह सकते हैं कि ग्राम पंचायत के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उनकी ओर से इनके मकान को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते आज उनको दयनीय अवस्था में यहाँ पर जीवन यापन करना पड़ रहा है और आगे चल के यह दयनीय अवस्था इनके लिए जनहानि का भी कारण बन सकती है, क्योंकि इनके मकान की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह मकान बुरी तरह प्रभावित हुआ है बाढ़ की वजह से, और जिसकी वजह से यहाँ पे इनका रहना न केवल खतरे से खाली है बल्कि इनके जीवन पर भी बहुत बड़ा आघात पहुँचा सकता है। रामेश्वर दसरे जी के प्रकरण में ताज्जुब करने वाली बात यह है कि जिस समय इनका मकान क्षतिग्रस्त हुआ था, उस समय ग्राम पंचायत के कोटवार और सहायक सचिव के माध्यम से इनके मकान की जांच हुई थी और जांच के बाद में यह प्रकरण तहसील कार्यालय तक गया था और तहसील कार्यालय से बाकायदा इन्हें RBC प्रकरण में चिन्हांकित कर इन्हें 2700 रुपये का मुआवजा भी आंशिक नुकसान के एवज में मिला था। इसके बावजूद पंचायत के द्वारा इस पात्र हितग्राही को दरकिनार करते हुए इनके मकान को स्वीकृत नहीं कराया, जिसकी वजह से आज इन्हें 2 साल बाद भी एक टूटे फूटे मकान में निवास करना पड़ रहा है, जहां पे इनकी जान को हमेशा जोखिम बना हुआ है। पंचायत नहीं दिया ना, पंचायत को मैं आवेदन दिया था, पंचायत कुछ भी ध्यान नहीं दिया अभी तक के। कितने बार आवेदन कर चुके हैं आप पंचायत को? मैं 2-3 बार आवेदन दिया पंचायत में, सहायक सचिव आकर के देखा भी इसको, देखने के बाद में कुछ भी नहीं किया उसने। सुनने में आया था कि 2018 में बाढ़ के समय में जब आपका मकान क्षतिग्रस्त हुआ था, तब RBC प्रकरण के तहत में आपको कुछ मुआवजा भी मिला था। हाँ, मुआवजा मिला था ना, 2700 रुपये। तो उस समय क्या जांच हुई थी यहाँ पे मौके? हाँ, पर इन्वेस्टिगेशन हुई थी किसी? हाँ, हुए थे ना जांच जी। बताएंगे किस तरह से जाँच हुई थी, कौन कौन अधिकारी यहाँ पे पहुँचे थे ग्राम पंचायत लेवल से, तहसील स्तर से? तहसीलदार, पटवारी, कोटवार आए थे, सब देख करके गए, सहायक सचिव भी था जी। देखने के बाद में चले गए वो। तो आपको कुछ लाभ मिला था उस समय? हाँ, 2700 रुपये मिला था मेरे तहसील से। जब आपका RBC प्रकरण बना, RBC प्रकरण के तब आपको लाभ मिला,
तो ये पहली प्राथमिकता बनती है कि जब आपका मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है तो मान चुकी है सरकार, मान चुकी है। आरबीसी प्रकरण का मतलब ही होता है कि आपका मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है और क्षतिग्रस्त होने के एवज में आपको मुआवजा भी मिल चुका है, तो पहली प्राथमिकता आपको मिलना चाहिए था कि आपका मकान स्वीकृत होना चाहिए था। क्या लगता है आपको किन कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, आपको क्यों लाभ नहीं मिल पाया, इसकी वजह क्या मानते हैं आप? क्या मालूम है पंचायत काय के लिए नहीं दिया था, पंचायत को तो मैं बहुत किया, मैंने कहा भैया मेरे को मकान दो, मेरे रहने के लिए मकान नहीं है जी, मगर पंचायत ध्यान ही नहीं दिया मेरे ऊपर। तो मतलब कोई मतलब विवाद है आपका? नहीं नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं जी। पंचायत तो क्या कारण मानते हैं कि आपको लाभ नहीं मिला? ऐसे और भी लोग होंगे जिनके नाम से मकान पास हुए होंगे? नहीं, बहुत से लोगों का मकान क्यों नहीं हुआ, बहुत से लोगों का मकान मिला है जी, पर मेरे को पता नहीं क्यों नहीं दे रहे हैं तो पंचायत। प्रधानमंत्री आवास योजना की गाइडलाइंस के अनुसार जो एसएससी डाटा 2011 के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर मकान दिया जाता है, जो आवेदक हितग्राही है जिसका नंबर क्रम में 100 के ऊपर है, 105 या 10 होगा उसी क्रम में है, और हम अभी पिछड़े में जो प्राथमिकता क्रम में 30 से 35 क्रम पर आए हैं, अगर उसका क्रम आ जाता है उस दिन उस हितग्राही को लाभान्वित किया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें एक बात ये सामने आई थी निकल के कि उनका आरबीसी प्रकरण तैयार हुआ था, उनका मकान बाढ़ से प्रभावित हुआ था और जिसके तहत उन्हें मुआवजा भी मिला है। एक तो क्या कोई सरकार की ऐसी कोई स्कीम नहीं है कि इसमें जो हितग्राही है जिसको बिल्कुल आवश्यकता है आज मकान की, उनको तत्काल लाभ दिलाया जाए, ऐसा कोई प्रकरण है या नहीं है स्कीम हितग्राही द्वारा? ऐसे आरबीसी की जो क्षति अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त उसके संबंध में आरबीसी प्रकरण के संबंध में आज तक हितग्राही ने पंचायत को सूचित नहीं किया है जी, पर अगर सूचित नहीं भी करता और उसका वास्तविक मकान क्षतिग्रस्त हो चुका है तो सरकार से जानकारी आने पर उसकी जानकारी भिजवा दी जाएगी और आदेश मिलने पर उसको लाभान्वित